राधा, थोड़ी सी चाय मिल सकती है क्या? जी चाचा जी, बस 5 मिनट दीजिए। संतोष, जरा फोन तो लगाना, सीमा कहाँ पहुंची? ये देखता हूँ। माँ को ऐसा लगता है जो सीमा दीदी बोलेंगी वो मैं मान लूंगी। मैं बच्ची नहीं हूँ सुमन, मुझे अपने सही गलत की पहचान है। कि नम्रता, तुम्हारे मम्मी पापा मेरी मम्मी और बाकी सब लोगों की तरह वही मानेंगे जो सीमा बुआ कहेंगे। आने दो, देखते हैं क्या बोलती हैं। हेलो सीमा, कहाँ पर हो? तुम लोग वेट कर रहे तुम्हारा? एक सहेली के घर पे कुछ काम था तो काम खत्म करके आ रही हूँ घर पे। कहाँ पर हो तुम? रास्ते में हूँ मैं तुम्हें। हेलो हेलो सीमा, हेलो चाचा जी, सीमा रास्ते में ही है, पहुंच रही है। नम्रता के सिर पर जो भूत सवार है ना, बस सीमा ही उसे उतार सकती है, देखना। लो बेचारे, नम्रता को समझाते समझाते थक गई हूं मैं। नम्रता समझदार है, बस थोड़ी सी बहक गई है। आप चिंता मत करिए, सीमा आएगी, उससे अच्छे से बात करेगी और उसे समझा देगी और उसे सही रास्ता भी दिखा देगी। चाची, प्रिया को लेने मुझे स्कूल जाना है, अगर 2:30 बजे तक सीमा दीदी नहीं आई तो मैं निकल जाऊंगी। वैशाली, मैं ये कह रही थी कि तुम प्रिया को लेके ना स्कूल से सीधे यहीं आ जाना, वो क्या है कि तुम्हारी भी जरूरत पड़ेगी मुझे। कोशिश करूंगी चाची, सीमा दीदी समझा देगी नम्रता को। आप चिंता मत करो, नम्रता बात मान लेगी सीमा दीदी की। चर्चा में आने वाला मामला नम्रता अग्रवाल से संबंधित था और परिवार की ये मीटिंग 2 रात पहले ही तय हुई जब नम्रता के पिता शिव प्रसाद अग्रवाल ने सीमा साहू को कॉल किया। प्रणाम चाचा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सीमा बेटा। परसों मैं और तुम्हारी चाची यहाँ बल्लीपुर से नम्रता को लेकर भोपाल आ रहे हैं, तुम टाइम निकाल कर रखना बेटा। चाचा जी, आप नम्रता को फोन दीजिए, मैं फोन पर बात करती हूँ उससे। ना बेटा, नम्रता थोड़ी अड़ियल हो गई है, तुम सामने बैठकर ही उसे समझाना। ठीक है चाचा जी, आप लोग आ जाइए। हम लोग राधा के घर पर आएंगे, तुम भी वहीं आ जाना दोपहर तक। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वैशाली को भी वहीं बुलाएं। ठीक है, प्रणाम। चाचा जी चाहते हैं कि मैं नम्रता से बात करूं। हाँ तुम बात कर लो सीमा, लेकिन मेरे ख्याल से उनके फैमिली मैटर में ज्यादा दखल मत देना। उनका फैमिली मैटर? फैमिली तो एक ही है ना यशु, अरे वो कजन है मेरी, चाचा जी की बेटी है। लेकिन दूसरों के मामले में सलाह देने की एक हद होती है, सलाह दखलंदाजी ना बन जाए उसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, मैं बात करूंगी नम्रता से, वो मेरी बात जरूर सुनेगी। और 21 मार्च को शिव प्रसाद अग्रवाल और लता अग्रवाल अपनी बेटी नम्रता को लेकर सीमा के पास सलाह मशवरे के लिए भोपाल पहुंच गए। लगभग हर परिवार में एक ऐसा सदस्य होता है जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है, जिसके पास सब अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए जाते हैं, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी जिसके पास हर जरूरी मामले का हल मिल जाता है, एक ऐसा सदस्य जिसके पास हर मसले पर कोई ना कोई सलाह और जरूरत पड़ने पर अपनी सलाह को मनवाने का अधिकार भी होता है, और इस परिवार की वो सदस्य है सीमा साहू। लेकिन 20 साल की नम्रता के साथ संकट की इस घड़ी में सीमा साहू नहीं है। सीमा साहू ने कहा था कि वो आएगी, लेकिन वो नहीं आई। मैं तो ऑफिस में हूँ संतोष, मेरी कुछ बात नहीं हुई सीमा से। यशवंत, मेरी 1 घंटे पहले सीमा से बात हुई थी, करीब 2:45 बजे। सीमा ने बोला था कि वो अपने सहेली के यहाँ पे है और थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। 3:15 बज गए हैं, अभी तक आई नहीं वो, उसका फोन भी बंद आ रहा है। मैं देखता हूँ संतोष, लेकिन मुझे पता नहीं सीमा किस सहेली के घर क्यों जाने वाली थी। ठीक है। हाँ राजेश बेटा, मम्मी घर पर है क्या? नहीं पापा, यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, और अगर मम्मी राधा मामी के घर जाने वाली थी तो अभी घर वापस क्यों आती?
जरा पड़ोस में पूछो, मम्मी कहीं किसी के घर कुछ काम से तो नहीं गई। ठीक है, मैं पूछता। सीमा कभी ऐसा तो करेगी नहीं। फोन तो अब भी बंद ही आ रहा है चाचा जी। संतोष, सीमा ने कुछ बताया था कि वो किस सहेली के यहाँ गई है? वो नहीं बताया था, अचानक उसने फोन काट दिया। पर सीमा ऐसा कभी नहीं करेगी, वो लेट भी होती है तो फोन करके बताती है हमेशा। हाँ, लेकिन यहाँ उसका फोन ही बंद है। संतोष, फिर से ट्राई करो, हो सकता है उसके फोन की बैटरी गई हो और वो फोन चार्ज कर रही हो। पांडे जी, हॉस्पिटल्स में चेक कराइए कि कहीं कोई एक्सीडेंट का केस वेस तो नहीं आया। सीमा साहू है ना नाम? जी, सीमा साहू, 39 साल। मैडम, मेरी वाइफ कभी ऐसा नहीं करती, वो कभी अपना फोन ऑफ नहीं रखती। मम्मी घर से 11 बजे निकली थी, मैंने पड़ोस में रहने वाली गायत्री आंटी से पता किया। हॉस्पिटल्स में पता करते हैं। वैसे आपने बताया कि उन्होंने किसी संतोष को। जी संतोष, वो सीमा के बड़े भाई के दोस्त हैं, घर वाले जैसे ही हैं, उन्होंने ही बात की थी। और उन्होंने बताया कि वो किसी सहेली के घर पर हैं, आपने वहां पता किया? कौन सी सहेली पता नहीं ना, सीमा के दोस्त हैं वो तो हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं। और मैडम, आज सीमा के चाचा जी खास बल्लीपुर से यहाँ आए थे सीमा को मिलने, उनकी मीटिंग तय थी, पर इसमें सीमा का इस तरह कहीं चले जाना। ठीक है, देखते हैं। वैसे हम कल तक वेट करके ही मिसिंग का FIR बना सकते हैं, आपकी वाइफ अडल्ट हैं। आप लोग अपनी तरफ से कोशिशें जारी रखिए, हो सकता है किसी के घर पर हूँ, पूछताछ करते रहिए। जी मैम। क्या कहा पुलिस ने? अभी तक 3 हॉस्पिटल में चेक कर लिया, कहीं कोई एक्सीडेंट का केस नहीं आया। चाचा जी, मैंने बहुत जगह पूछा, कहीं कोई रिक्शा विक्शा के एक्सीडेंट की खबर नहीं है। तो कहां गई होगी सीमा? सुमन, ये नम्रता से तेरी बात हो रही थी? हाँ, बातें तो हो ही रही थी, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो जैसे मुझे कुछ पता है कि सीमा बुआ कहाँ गई है। बेटा, मुझे लगता है नम्रता है ना, ये यहाँ अपने मन से नहीं आई थी सीमा से बात करने, चाचा चाची इसे जबरदस्ती लेकर आए हैं। अम्मा, तुम खुद नम्रता से क्यों नहीं पूछ लेती, उसे पता होगा कि सीमा बुआ यहाँ क्यों नहीं आई। लो देख लो, सीमा दीदी मुझे एडवाइस देने वाली थी, बात करने वाली थी, समझाने वाली थी, अब खुद ही रफू चक्कर हो गई। मैंने कहा था तुझसे नम्रता, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, टेंशन मत लेना। क्या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो अपने आप कहीं चली गई? ये क्या बात कर रहे हैं सर, सीमा अपने आप क्यों जाएगी? हाँ सर, सीमा दीदी अपने आप क्यों जाएगी, उनका परिवार है, पति है, बेटा है, हम सब हैं। सीमा हमारे परिवार की मुखिया जैसी है, सब सलाह लेते हैं उसे। वैशाली, ये जो आपकी कजन है नम्रता, इसका क्या माजरा, उससे क्या बात करनी थी, सीमा को क्या समझाना था उसे? फैमिली मैटर था। तो फिर जाइए और जाकर अपना फैमिली मैटर सॉल्व करिए, जब तक आप हमें पूरी बात नहीं बताएंगे हम उसे ढूंढेंगे कैसे? सर, नम्रता के गांव बल्लीपुर में एक लड़का है हिमांशु कनौजी, आप नम्रता उससे शादी करना चाहती है। नम्रता, वो है ना तुम्हारे पापा का मजदूर हरीलाल, बड़ी आंखें निकाल के देख रहा था मैं। पक्का वो पापा को जाके चुगली करी? तू एक काम कर, तू अपने मम्मी पापा को जाके खुद सामने से बोल दे, मैं भी माँ से बोल देता हूँ कि रिश्ता लेकर पहुँच जाए। हाँ ठीक है, मैं बोल देती हूँ कि मैं हिमांशु कनौजिया से प्यार करती हूँ। जैसे ये बात सुनकर तो मम्मी पापा खुशी से नाचने लगेंगे ना। अब नाचे या फिर तांडव करे, बताना तो पड़ेगा ना मेरी जान। पापा, मैं हिमांशु से ही शादी करूँ, आप चाहे हाँ कहें या ना। हमारी नाक कटवाएगी तो? नम्रता, इस पूरे जिले में हिमांशु कनौजिया ही मिला तुझे? हाँ, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया माँ, हिमांशु काम करता है, मेहनत करता है,
दिक्कत क्या है? वो हमसे थोड़ा नीचा है, यही दिक्कत है ना? मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। हम कहीं के नहीं रहेंगे बेटा, अगर तू उसके साथ ऐसी हरकत करेगी तो। सर नम्रता तो एक टांग पर खड़ी थी कि अगर खुशी खुशी उसकी शादी हिमांशु से नहीं करवाई गई ना तो हिमांशु के साथ भाग जाएगी। सर इसीलिए तो सीमा के चाचा जी नम्रता को यहाँ लेकर आए थे ताकि सीमा नम्रता से बात कर सके, उसको समझा सके। सर सीमा हमारी बड़ी बहन है, सब उनकी बात मानते हैं। वो दोपहर को 1:30 बजे हमारे भाभी राधा के घर आने वाली थी जहाँ चाचा जी चाची जी और नम्रता आए हुए थे। लेकिन ये कौन सी सहेली थी जहाँ आपकी पत्नी सीमा गई थी? यही नहीं पता ना सर, पता नहीं सर, चाचा जी बलीपुर से खास सीमा से मिलने यहाँ आए थे, 1:30 बजे मीटिंग तय हुई थी और ऐसे में सीमा कहीं और चली जाए किसी से मिलने, पता नहीं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। और ये संतोष कौन है जिसने सीमा से फोन पे बात की थी? संतोष हमारे बड़े भाई शंकर भैया के अच्छे दोस्त हैं। शंकर भैया आप नहीं रहे, संतोष परिवार जैसे हैं हमारे लिए। सीमा ने संतोष से कहा कि वो अपनी एक सहेली के यहाँ गई थी, झूठ बोलेगी? सर झूठ क्यों बोलेगी सीमा, किस लिए? सारे हॉस्पिटल चेक किए, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है? नॉर्मल नहीं है साहब, ऐसे गायब होना, ये पक्का आप जो नम्रता बोल रहे हैं उसके कनेक्शन से कुछ हुआ होगा, क्योंकि घर की एक जिम्मेदार औरत जिस पे पूरे परिवार वाले अपने अहम फैसले लेने के लिए निर्भर करते हो, वो खुद से तो गायब नहीं हो सकती। नम्रता वाला एंगल हम चेक करेंगे, वहाँ बल्लीपुर में उसके बॉयफ्रेंड हिमांशु कन्नौजिया से भी बात करेंगे। ठीक है साहब, मैं पता करता हूँ, आप केवल सीमा के फोन के लास्ट लोकेशन मिल जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, उस एरिया में ढूंढने में आसानी होगी। कमाल कर रही हैं आप विशाली दीदी, और चाचा जी को भोपाल बुलाकर यहाँ सीमा दीदी बल्लीपुर क्यों आएगी? और अगर हमारे घर यहाँ आना होता उन्हें तो क्या बता के नहीं आएगी? मुकेश 3 दिन हो गए सीमा दीदी का कुछ पता नहीं चल रहा, ऐसे कहाँ चली गई वो? ये पक्का हिमांशु और नम्रता का किया कराया है, चाचा जी भी अजीब है, अगर नम्रता का ऐसा कुछ चल भी रहा था तो यहाँ आके हमसे बात नहीं की है, बस सीधा भोपाल पहुँच गए। मुकेश अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है, दीदी गायब है, पहले उन्हें ढूंढना है। क्या हुआ, कुछ पता चला मुकेश? नहीं बस सीमा दीदी का फोन अभी भी बंद आ रहा है। तंग आ गई होगी, हर किसी का प्रॉब्लम सुलझाते सुलझाते। तंग आ भी गई होगी तो क्या जीजा जी और राजेश को छोड़ के चली जाएंगी? बोलो देखो अब कहाँ मिलती हैं, कहीं तो गई होगी। असलम कुछ नाश्ता बनाऊं? नहीं रहने दो, आज काम कुछ ज्यादा है, मेरी कोई जरूरत हो तो फोन कर लेना। ठीक है मैं जीजा जी से मिलाती हूँ, परेशान होंगे वो। ठीक है मिला, मैं निकलता हूँ। दीदी गायब होगी तो हिमांशु क्या कर सकता है? उसे वहां बल्लीपुर में पुलिस क्यों उठाने के लिए गई है? नम्रता भोपाल आने से पहले कुछ बात हुई थी सीमा से तुम्हारी? नहीं हुई थी, और मैं क्यों करूंगी बात? मुझे यहां पर जबरदस्ती बात करने के लिए बुलाया गया था तो मैं उनसे सामने से क्यों करूंगी बात? नम्रता कहीं तुमने और हिमांशु ने तो कुछ नहीं किया? हां पापा, मैंने और हिमांशु दोनों ने मिलकर सीमा दीदी को गायब कर दिया ताकि वो मुझसे कोई बात ना कर सके, मुझे अपना लेक्चर ना दे सके, बस। सीमा दीदी खुद ही चली गई है यहाँ से। सर, सीमा साहू का फोन 21 मार्च को हाथी चौक एरिया में स्विच ऑफ हुआ, टाइम 1:49। कितने बजे के करीब थी संतोष ठाकुर की सीमा से फोन पर बात हुई? हेलो सीमा कहाँ पर हो, तुम लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा? हाँ सर संतोष से बात की मैंने, उसने बताया कि सीमा ने अचानक फोन काट दिया। उसने कहा था कि वो अपने किसी सहेल के यहाँ पे है, मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा तो सीमा बोल ही रही थी कि उसका फोन कट गया। आप खुद ही सुन लीजिए। हेलो सीमा कहाँ पर हो, तुम लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा? एक सहेली के घर पे कुछ काम था तो काम खत्म करके आ रही हूँ घर पे। कहाँ पर हो तुम? रास्ते में हूँ मैं तुम्हें। हेलो हेलो सीमा, तुमने ये बातचीत रिकॉर्ड क्यों की? वो मेरा कॉल रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन रहता है। संतोष से बातचीत के दौरान फोन कट हुआ और फिर स्विच ऑफ हुआ,
लेकिन सर 21 मार्च को सिर्फ एक और ऐसा नंबर है जिससे जिसे सीमा के नंबर पर कॉल आया था। किसका नंबर है? असलम शेख का। हेलो, हाँ हाँ जी, वो सीमा दीदी हमारी पत्नी वैशाली की बड़ी बहन है। तुमने 21 मार्च की सुबह सीमा से बात की जिस दिन वो लापता हुई? जी जी जी, बात की थी हमने। तुम्हें सीमा के कहीं जाने या गायब होने की जानकारी है? उस दिन सीमा दीदी एक ही बात को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी चचेरी बहन है नम्रता, उससे बात करके उनको कुछ समझाना था। हमारी पत्नी वैशाली ने हमसे फोन करके कहा था हम बात कर लें दीदी से, इसीलिए हमारी बात हुई थी सुबह 8 बजे। और कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से भी असलम का फोन 8 बजे का ही। इस सीमा साहू के बारे में और पता करो, पूरा परिवार से सलाह लेते तो मतलब काफी समझदार और मैच्योर किस्म की लेडी, ऐसे तो कहीं नहीं जा सकते। कॉल रिकॉर्ड निकलाओ और देखो कि और किस किस से बात होती रही। सीमा अपनी भाभी के घर जाने के लिए अपने घर से निकली थी। वो नम्रता और हिमांशु कनौजिया के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए जा रही थी। पूरे 4 दिन बीत चुके थे लेकिन सीमा अब तक नहीं पहुंची थी। क्या सीमा का गायब होना सीमा को नम्रता और हिमांशु के रिश्ते में कोई भूमिका निभाने से रोकने की एक सोची समझी साजिश थी? हाँ सर, भोपाल जाने से पहले मेरी और नम्रता की बात हुई थी कि कैसे सीमा दीदी को समझाए कि वो नम्रता को ज्यादा ज्ञान ना बांटे, उल्टा उसके मम्मी पापा को समझाए। हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे सर, उससे शादी करनी है हमको। तो देखा कि सीमा साहू को समझाना मुश्किल होगा, इसीलिए तुमने और नम्रता ने गलत रास्ता अपनाया। सीमा दीदी कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी करती है सबके लाइफ में, बड़ा जज समझती है अपने आप। तू वैशाली दीदी से बात कर ले। मैंने वैशाली दीदी से ही बात की थी। अब तो मुझे सपोर्ट करो वैशाली दीदी, क्या सब कुछ सीमा दीदी के हुक्म से ही चलेगा? नम्रता, मैं कुछ भी बोलूं पर तुम्हारे पापा सिर्फ सीमा दीदी की बात सुनेंगे। भोपाल आ रहे हैं सीमा दीदी से मिलने। तो बस समझ लो कि सीमा दीदी तुम्हें ही समझाने वाली कि तुम गलत कर रही हो। कोई कुछ भी कहे, शादी तो मैं हिमांशु से ही करने वाली हूँ, फिर चाहे वो सीमा दीदी हो या कोई और। बाहर में गई सीमा दीदी, चलो भाग चलते। नम्रता, मैं माँ को अकेले से छोड़कर नहीं जा सकता। तुम एक बार सीमा दीदी से बात कर लो, क्या पता जज साहिबा हमारे पक्ष में ही फैसला सुना दे। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जानती हूँ उनको अच्छे से, फैमिली में अपना पावर दिखाना अच्छा लगता है उनको। गलत तब होता सर जब मैं नम्रता को भगा कर ले जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि बाद में बल्लीपुर में तकलीफ मेरी माँ झेलती। मैं शादी करना चाहता था सर, लेकिन आप जिस तरह से सवाल कर रहे हैं ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ किया है। तो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ सर कि सीमा दीदी के साथ कुछ करता। तो नम्रता ने खुद से कुछ किया है? सर, उनके पूरे परिवार में सीमा दीदी का ही हुक्म चलता है, सब अपने छोटे बड़े मसले लेकर उनकी चौखट पर पहुंच जाते हैं, सारे फैसले सीमा दीदी ही करती। अब किसी को ठेस पहुंची होगी सर उनके फैसले से। सर, मेरी और नम्रता की शादी की बात निकले अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, आपको लगता है कि हमने उनका मर्डर वर्डर? मर्डर? हमने तो मर्डर की बात भी नहीं। लेकिन सर, आप ही ने कहा है कि सीमा दीदी को कुछ किया, तो कोई क्या करेगा सर? अगवा करके कोई ऐसे ही रखेगा क्या? तो मर्डर हुआ है उसका? अरे सर, आप तो मुझे ही चक्कर में फंसा रहे हैं सर, मैंने तो बस ऐसे ही कहा है। आज 4 दिन हो गए सर, कोई ऐसे ही थोड़ी चला जाता है। सीमा साहू का ऐसे अचानक गायब होना हर किसी की समझ से परे था। सीमा के चाचा शिव प्रसाद और चाची लता खुद को इस घटना के लिए जिम्मेदार मान रहे थे। कहीं सबके पीछे की वजह यह तो नहीं थी कि वो सीमा से अपनी बेटी के लिए सलाह मशवरा करना चाहते थे? परिवार के सभी लोग सीमा को अपनी शक्ति का स्रोत और सबसे विश्वसनीय मानते थे, लेकिन अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि सीमा कहां चली गई और उसके साथ क्या हुआ। हाँ, ये वो लेडी है, पक्का पक्का। दोस्त, कितनी बार बोलूं? हाँ पक्का, हमारे होटल में सीसीटीवी कैमरा भी है। यही वो लेडी है जो 21 मार्च को आई थी। रूम नंबर 201, मुख्तार सैयद। आपका नाम? सीमा साहब। एक मिनट। मुख्तार सैयद, ये कौन है? उस दिन सुबह ही चेक इन किए थे, बुजुर्ग आदमी थे, 21 मार्च को चेक इन किए थे और 22 मार्च की सुबह को चेकआउट कर दिए थे। तो
तो ये सीमा साहू रूम नंबर 201 में मुख्तार सैयद से मिलने गई थी। हाँ, मैंने मुख्तार जी से बात की थी और फिर इस लेडी को उनके कमरे में भेजा था। सीमा साहू जी आइए। ये रेड साइन होटल हाथी चौक पर है मैडम, जहां आपने कहा था कि सीमा साहू का फोन स्विच ऑफ हुआ। लेकिन सीमा मुख्तार सैयद से मिलने क्यों गई थी? कौन है ये मुख्तार सैयद? पता नहीं सर ये कौन है। हमें होटल के रिकॉर्ड से ये आधार कार्ड मिला। अगर ये आधार कार्ड असली है तो हम इसकी बाकी डिटेल्स निकलवाएंगे। और आप इस तस्वीर को देखिए, ये कोई बाबा किस्म का आदमी लगता है। क्या सीमा किसी बाबा से मिली थी? ये जो बुरी ताकतें हैं सीमा, हमें उन पर काबू पाना है। जो तुम्हारे मंसूबे पर बुरी नजर डाल रहे हैं, उन बुरी नजरों को हमें दूर करना है। हम सबको मिलकर इन बुरे प्रभावों पर वार करना है और इन नकारात्मक तत्वों को हमें मिटाना है। क्या इससे वो सारी बुरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी जो आसपास मंडरा रही हैं? सब कुछ खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। सर आप बाबा बाबा की बातें कर रहे हैं, लेकिन सीमा ने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। सर ये मुख्तार सैयद है कौन? राजेश सब कुछ तुम्हारे सामने है। तुम्हारी माँ कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी? सर जो आप आदमी दिखा रहे थे मुख्तार सैयद, सर ये तो ध्यान से देखिए सर, इस आदमी के चेहरे पे दाढ़ी में सब कुछ नकली लग रहा है। सर ये तो कोई ढोंगी है। सही कह रहे हो राजेश, इसकी दाढ़ी मुझे नकली लग रही है। पर इस तरह के आदमी से मिलने के लिए तुम्हारी मां क्यों गई होगी? सीमा कभी किसी बाबा के पास नहीं गई, वो सिर्फ गुरु प्रमोद जी की प्रवचन सभा में जाती थी, वो भी हफ्ते में एक बार। मनुष्य को सब कुछ समय पर ही छोड़ देना चाहिए, समय आने पर सभी काम अपने आप होने लगते हैं। प्रकृति का चक्र भी समय के अनुसार ही चलता है। वैशाली तुम्हारी बहन मुख्तार सैयद से क्यों मिली होगी? मुझे नहीं पता, मैं तो ये भी नहीं जानती कि यह कौन है दीदी उस दिन वहां क्यों गई, जबकि उस दिन दीदी को नम्रता के मुद्दे को सुलझाना था। तुम्हें किसी पे शक? हम गुरु प्रमोद जी से तो बात करेंगे, पर क्या कोई ऐसा है जिस पर आपको शक?
क्योंकि आपकी पत्नी सीमा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ ठीक नहीं है। ये देखिए, सीमा जिस तरह से चल रही है ऐसा लग रहा है जैसे ये नशे में। हाँ सर, लग तो रहा है कि नशे में। ऐसा लगता है जैसे इन्हें कुछ दिया गया। हाँ, ऐसा लग रहा है कि सीमा दीदी को किसी ने कोई नशीली चीज खिलाई पिलाई होगी। ऐसा ही लग रहा है, हमने उसकी आवाज भी सुनी। संतोष ने उसके साथ हुए कॉल को रिकॉर्ड कर लिया था। एक सहेली के घर पे कुछ काम था तो काम खत्म करके आ रही हूँ घर पे। कहाँ पर हो तुम? रास्ते में हूँ मैं तुम्हें। हेलो हेलो सीमा, रास्ते में हूँ मैं तुम्हें। जीजा जी, ये संतोष, संतोष ने कुछ किया है। संतोष? संतोष ठाकुर? हाँ, उसने दीदी के साथ फोन पर की गई बात की रिकॉर्डिंग क्यों की? क्यों किया होगा उसने ऐसा? सर, ये सब कुछ मुकेश मामा ने किया है, उन्हीं का हाथ है इसमें। तुम्हारे मुकेश मामा जो बल्लीपुर में रहते हैं? हाँ। लालू तो इतनी ज्यादा छुट्टी लेगा, एक काम कर, तो हमेशा के लिए छुट्टी ले ले। मामा और मामी दोनों ने मिलकर किया है ये। लेकिन राजेश, तुम्हारी माँ मुख्तार सैयद से मिलने खुद गई हैं। जरूर मामा और मामी ने मिलकर कोई तिकड़म बैठाया है। मामा बहुत गुस्सा है मम्मी पे। जब खेत की सारी देखभाल मैं करता हूँ, अनाज की सारी बिक्री और सब कुछ मैं ही देखता हूँ, और उसमें से जो भी पैसा आता है तो इतना सारा पैसा मैं हर महीने राधा भाभी को क्यों दूं? मुकेश, क्योंकि वो अकेली है। उनके स्वर्गवासी पति शंकर भैया तुम्हारे, मेरे और वैशाली, हम तीनों के बड़े भाई थे। अरे इतनी समझ तो होनी चाहिए तुम में। अच्छा, तो मतलब मेहनत मुकेश करे और खाए सब। अच्छा, मुझे अच्छी तरह पता था मुकेश की जुबान के पीछे ना शब्द तुम्हारे ठूसे हुए। तो मतलब हम वहाँ गांव में बैठकर चक्की पीसते रहे और यहाँ शहर में सब मलाई खाएं। सीमा दीदी, क्यों ना मुकेश को ज्यादा हिस्सा। तुम बीच में मत बोलो। अरे घर हमारे पापा का है, खेत हमारे पापा का है, और मुकेश इस समय जो बात कर रहा है ना, घर और खेत बेचने वाली। तो क्या हमारा हक नहीं बनता गाँव छोड़कर शहर आकर एक बेहतर जिंदगी जीने की? बेशक शहर आओ, लेकिन खेत और घर बेच कर नहीं। मतलब हम अपनी जिंदगी गांव में बैठ के पिसवाए और आप लोग यहाँ मजे से ठाट से रहो। जो भी हम खेत में मजदूरी करते हैं उसका हिस्सा सबको मिले, लेकिन एक फैसला नहीं कर सकते घर और खेत बेचने का। अरे मुकेश, खेत और घर में शंकर भैया तुम्हारा, मेरा और वैशाली का, हम सबका बराबर का हिस्सा है। हमारी शादी से पहले सब काम मुकेश ही संभालता आ रहा था, और शादी के बाद हम दोनों मिलकर संभाल रहे हैं। हाँ, तो अब नहीं संभाला जा रहा है ना, तो छोड़ दो, वहां हम किसी और को लगा देंगे। माँ को अपने पास बुला लेंगे। तुम और मुकेश निकल जाओ इन सबके बीच से। सीमा, गुस्से पर काबू रखो। यशवंत, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और क्या बोल रही हूँ। अरे मुकेश को ये सारी चाबी चढ़ाने वाली ना, ये चंचल है। अच्छा, मैंने चाबी चढ़ाई है? मतलब आज तक आप दोनों बहनें मिलके मुकेश को अपने अंगूठे के नीचे दबाकर चलती आई, और आज जब मुकेश की जबान चलने लगी तो मैंने चाबी चढ़ाई। चंचल, तमीज में बात करो। अरे तुम भी डरपोक हो, ये सीमा दीदी आज तक अपनी मनमानी करती है और आगे भी अपनी चलाती रहेंगी। चंचल, अरे दीदी आप भी इन्हीं के नीचे दबी हुई है। चल कर। चुप। मुकेश मामा और चंचल मामी के अंदर बहुत गुस्सा भरा मम्मी के लिए,
तो तुम्हें लगता है मुख्तार सैयद उनका भेजा हो के बंदा हो सकता है? संतोष, हाँ हमें भी डाउट तो हुआ था कि संतोष ने कॉल रिकॉर्ड क्यों किया। जीजा जी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ ये संतोष की नजर दीदी की तरफ मुझे कभी ठीक नहीं लगी। मुझे भी अजीब लग रहा है कि उसने आके दीदी का कॉल रिकॉर्ड क्यों किया। क्या हुआ था सीमा साहू के साथ? किसी को भी नहीं पता था कि सीमा मुख्तार सैयद से मिलने क्यों गई थी, और ना ही किसी को यह अंदाजा था कि वो ऐसा क्यों करेगी। हालांकि सीमा के बेटे राजेश को अपने मामा मुकेश और मामी चंचल पर शक था, और सीमा की बहन वैशाली सीमा के दोस्त संतोष ठाकुर को कटघरे में खड़ा कर रही थी, लेकिन मुख्तार सैयद का खुलासा सबके लिए चौंका देने वाला था। एड्रेस तो यही है सर, लेकिन मैं यहाँ 15 सालों से रहता हूँ। इदरीस खान नाम है मेरा, और सर मैंने आज तक किसी मुख्तार सैयद नाम के आदमी को यहाँ हुसैन नगर में न देखा है न सुना है। जरा ध्यान से देखिए, फोटो से भी पहचान में नहीं आ रहा। नहीं सर, चाहिए तो मस्जिद के इमाम साहब से भी पूछ के देखता हूँ, लेकिन ये एड्रेस मेरा ही है। सर ये आधार कार्ड फर्जी है, ये आधार कार्ड नंबर किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड, इसका किसी भी मुख्तार सैयद नाम के आदमी के साथ दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं। सिम कार्ड 19 मार्च को खरीदा गया, लेकिन ना ही उससे कॉल कोई किया गया और ना ही कोई कॉल आया उसका। ये वो नंबर है जिसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए आधार कार्ड इस्तेमाल हुआ? जी सर, लेकिन फर्जी है। पर ऐसे किसी भी फर्जी मुख्तार सैयद से मिलने के लिए सीमा साहब क्यों जाएगी? सर कोई तो वजह हो, सीसीटीवी कैमरा में साफ दिख रहा है कि सीमा वहां मुख्तार से मिलने गई थी। अब वो खुद से गई थी या किसी के इशारे पे गई, पर वो वहां गई थी तो कोई तो वजह होगी। ये आप बार बार क्यों पूछ रहे हो कि मैंने सीमा का कॉल रिकॉर्ड क्यों किया? क्योंकि सीमा के फोन पर आखिरी कॉल तुमने किया था 21 मार्च 1:45, और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि सीमा गायब है, वो नशे में लग रही है और तुमने कॉल रिकॉर्ड किया। क्यों सर? मेरे फोन में कॉल रिकॉर्डर हमेशा ऑन रहता है सर, इससे पहले सब लोगों के कॉल रिकॉर्ड हुए हैं सर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बताओ कि तुम्हारा रिकॉर्डर ऑन क्यों रहता है? सर मेरा प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है, कभी कभी फोन पर कोई धमकी देता है, इसलिए अपने सेफ्टी के लिए मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और सर मैं सीमा के बड़े भाई का जिगरी दोस्त रहा हूँ, उसके फैमिली के साथ मेरा अपने फैमिली जैसा रिश्ता है। और सीमा उसके साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता है? अब आप ये वाहियात इल्जाम मुझे पर लगाएंगे? ये आप लोग संतोष जी से भद्दे सवाल कैसे पूछ सकते हैं और उन पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि सीमा गायब हुई है, तुम्हारे स्वर्गवासी पति की छोटी बहन। तो सीमा के गायब होने में संतोष जी का कैसे हाथ हो सकता है? तो फिर किसका हो सकता है, आप ही बता दीजिए। मुझे क्या पता, हो सकता है नम्रता जिससे शादी करना चाहती है उस लड़के का हाथ हो। वैसे भी नम्रता बहुत चिड़ी हुई थी और उसने मेरी बेटी सुमन को भी बताया। क्या बताया था? मैं तो कहती हूँ अच्छा है सीमा दीदी कहीं बिजी हो जाए और यहाँ पर आए ही ना, इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे बात करो ना उनसे। नहीं करनी मुझे उनसे बात, क्यों हर फैसला सब लोग उनसे पूछ कर लेते हैं। अब मैं 20 साल की हो गई हूँ, मैं अपने सही गलत के फैसले खुद ले सकती हूँ। नम्रता ऐसा कह रही थी, पर अम्मा क्या नम्रता उस हिमांशु के साथ मिलकर ऐसा कुछ करेगी कि बुआ? संतोष जी भले आदमी है और हमारे परिवार को अपना परिवार मानते हैं। हमें पूरा शक है कि सीमा के गायब होने में किसी अपने का ही हाथ है, इसलिए पूछताछ तो हम सबसे करेंगे राधा जी, और अब तो FIR भी बन चुका है। मैं क्यों अपनी दीदी के साथ कुछ करूंगा? तूने जो कुछ भी किया है उसकी वजह है तेरे पास मुकेश। अरे आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मुकेश तो अपनी दीदी के सामने भीगी बिल्ली बनकर रहता है। तो तुम सबसे आंख मिला के बात करती हो? हाँ करती हूँ, और आपसे भी करूंगी अगर आप लोग हम पर गलत आरोप लगाएंगे तो। पर मेरी बेटी कहाँ है, कहाँ चली गई वो? माँ जी पिछले 7 दिनों से हम भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक हम उसे ढूंढ नहीं पाए, और इसी सिलसिले में मुकेश और चंचल को पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन सर 21 मार्च को मैं यहीं गांव में था। और आपके पास सबूत क्या है कि मुकेश ने यहाँ गांव में बैठकर कुछ कराया हो? सबूत तो फिलहाल हमारे पास तुम्हारे खिलाफ भी नहीं है, इसीलिए पूछताछ बोल रहा हूँ। अगर सबूत होता तो इतने प्यार से बात नहीं करता। आपको पक्का हमारा नाम यशवंत जीजा जी ने दिया होगा? दिया जिसने भी हो, वजह तुम्हारे पास थी मुकेश। वजह किसके पास नहीं है सर, सभी तो सीमा दीदी के थाक से थक चुके थे, खुद यशवंत जीजा जी भी, ये नहीं बताया उन्होंने? सीमा साहू की थाक से? तुम्हारी ये बड़ी बहन के कोई गैंग लीडर थी? गैंग लीडर का तो पता नहीं सर,
लेकिन हम सब भाई बहन, उनका पति, उनका बेटा राजेश, सब पर उनकी धाक थी। घर में सबसे बड़ी थी वो, इसलिए पापा जी ने सारी कमान उनके हाथ में दे दी। सब पर राज चलाती थी वो। ये क्यों नहीं बताया यशवंत जीजा जी ने आपको? सीमा, कभी कभी तुम्हारा दूसरों की जिंदगी पर हावी होना दखलअंदाजी की हद तक चला जाता। यशवंत, अगर मैं फैसले लेना बंद कर देती हूँ तो सबकी जिंदगी बिखर गई होती अब तक। ये तुम्हारी गलत फहमी है सीमा। दूसरों के बारे में फिक्र करना अच्छी बात है। लोग जब तुम्हारे पास सलाह मशवरा करने आते हैं वो अलग बात है, लेकिन जब तुम दूसरों की जिंदगी में सही गलत के फैसले लेने बैठ जाती हो ना, वो गलत है। यशवंत, जो इंसान फैसला लेता है उसे सही गलत का पता नहीं होता। वो बस एक फैसला लेता है और उस एक फैसले को सही बनाने की कोशिश करता है, उसे सही दिशा देता है। मैं भी बस वही कर रही हूं। सीमा, हर एक का नजरिया तुम्हारे जैसा नहीं होता। तुम्हारा फैसला किसी के लिए गलत भी हो सकता है, और अगर कभी किसी को तुम्हारा फैसला ज्यादा गलत लग गया ना तो वो कुछ बहुत गलत कर सकता है। और सिर्फ जीजा जी ही क्यों, उनका बेटा राजेश वो भी चिढ़ता है अपनी माँ से। मम्मी, मैं 18 साल का हो चुका हूँ, मेरे फोन में और मेरा बैग में ताक झाक करना बंद करो। मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तो क्या करूँ मम्मी, मैं दूसरों की तरह तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले नहीं लेने दे सकता। सॉरी, ये मेरी जिंदगी और इसमें अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, प्लीज मुझे जीने दो। वैशाली, अब तुम मुकेश की तरफदारी करना बंद कर और अपना घर संभाल, ठीक है? तुम समझती क्या हो अपने आप को दीदी? किसी भी बात पे मुझे ही ताना मारोगी? वैशाली, तुम्हें सही गलत की परख नहीं है। हाँ हाँ, भगवान ने हमारे हिस्से की भी सही गलत की समझ तुम्हें ही दी है। तुम जीजा जी को तो कुछ बोलने देती होने, और यहाँ मुझे लेक्चर देती हो कि मैं अपना घर संभालूं। सीमा, मुझे चेक मिला अब, लेकिन हर महीने तुम जितना भेजती हो उससे ज्यादा है इस बार। हाँ भाभी। अच्छा, सुमन को जो एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करनी थी ना उसके कोर्स के लिए, उसे ज्वाइन करने दीजिए। हमारी सुमन पढ़ाई में बहुत अच्छी है भाभी, और शंकर भैया भी तो चाहते थे ना उसे खूब पढ़ाना। सीमा, कितना ख्याल रखती हो तुम हमारा, हमारी हर छोटी से छोटी बात तुम्हें याद है। और सिर्फ मैं नहीं, आप भी हर छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखती हैं, और सिर्फ मेरी नहीं पूरे परिवार की, फिर मेरा भी तो इतना फर्ज बनता है ना। इतना प्यार दिया ना तुमने कि मुझे कभी उनकी कमी का। भाभी, आप हमारे ही परिवार का हिस्सा हैं। और सर लिख के ले लो, सिर्फ राधा भाभी हैं जो सीमा दीदी के गुणगान गाएंगी, क्योंकि जब उन्हें पैसे मिलते हैं तो वो आंख भी मूंद लेती है। किससे आंख मूंद लेती है राधा? वही जो चल रहा है सीमा दीदी और संतोष भैया के बीच। पेंटो, मुझे किसी भी सूरत में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सीमा साहू इस मुख्तार सैयद से मिलने होटल क्यों गई। ठीक है साहब, मैं पता करता हूँ, लेकिन आप एक बार असलम शेख से भी पूछताछ करो साहब। हे हाशिम, इधर आ। ये दरवाजे का माप था ना तेरे पास बराबर, ये 4 इंच छोटा कैसे हो गया? असलम भाई, पहले माप देखो आप। शमशेर ने यही माप दिया था। ए हाशिम, क्या कुछ भी मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहा है? क्या है शमशेर, ये तूने माप ही गलत लिया है। बताओ तो, इस असलम शेख का नाम कहीं इसलिए तो नहीं ले रहा क्योंकि असलम शेख भी मुसलमान है और ये मुख्तार सैयद भी? नहीं साहब, क्या आप भी धर्म की बात को बीच में लेके आ रहे? मैंने असलम शेख का नाम इसलिए लिया है क्योंकि वैशाली उसकी दूसरी बीवी है, एक चिड़ खाई हुई पहली बीवी है फौजिया। अगर खाने की चीज को दोबारा ऐसे फेंका ना तो 2 थप्पड़ लगाऊंगी। अब जाओ, खुद साफ करो, उठाकर प्लेट में रखो और खाओ। पापा भी तो ऐसी प्लेट फेंकते हैं। पापा जैसे बनोगे तुम? पापा जैसे बनोगे तुम? हाँ, तुम भी तो उनके जैसे मुझे मारती हो, वो तुम्हें मारते हैं और तुम मुझे मारती हो। साहब, इस फैमिली में बहुत कुछ प्लास्टिक पेंट चढ़ा हुआ है। ये फौजिया नफरत करती थी वैशाली से और उससे भी ज्यादा सीमा साहू से, क्योंकि सीमा ने ही वैशाली और असलम शेख की शादी के लिए मंजूरी दी। फौजिया के पति को घर से छीन के लेके आ गई थी। सर, 5 कांस्टेबल्स को हाथी चौक से लेके राधा के घर और सीमा के घर तक 10 बार दौड़ा चुकी। इन दोनों इलाकों में किसी ने भी 21 मार्च के दिन सीमा को घर वापस आते या कहीं और देखे जाने की कोई जानकारी ही नहीं। आज पूरे 7 दिन हो,
वो इतने दिनों तक सीमा को छुपा के रखेगा? साहब, ये लेडी परिवार के अंदर ही सबके रास्ते में आ गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी ने इसको रास्ते से हटाया। पता है मुकेश भैया और चंचल भाभी को पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ, और वहाँ भोपाल में भी काफी हलचल है। तेरे मम्मी पापा क्या बोल रहे? पूछ रहे हैं मुझसे बार बार कि कैसे मैंने सीमा दीदी को गायब कर दिया, जैसे मैंने कोई झाड़ फूक करके उनको अपने वश में कर लिया। ईशा, हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। राजेश, मैं तुमसे एक सीधी सी बात पूछना चाहती हूँ। अब हाँ पूछो ना। तुमने अपनी माँ के साथ क्या किया? कभी कभी लगता है कि सीमा को ऐसे सब लोगों के लाइफ में घुसना नहीं चाहिए था। संतोष जी, आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट कर देनी चाहिए। ये तुम्हारी हर परेशानी को खत्म कर देगा सीमा, ये हर बुरे साये को मिटा देगा। हमें सबसे अलग अलग पूछताछ करनी होगी सर। सबको कोई ना कोई शिकवा रहा है इस सीमा साहू से। सर, मुझे इस बात का डर है कि शायद हम सीमा साहू को जिंदा ना पाए। मुझे भी यही लग रहा है। ऐसा लगता है कि सीमा साहू को बुरी तरह से किसी जाल में फंसाया गया, और ये जाल उसके किसी अपने नहीं बिछाए। सीमा साहू एक दृढ़ महिला थी, वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि इतनी आसानी से कोई गलत कदम उठाए और मुख्तार सैयद जैसे फर्जी आदमी से मिलने चली जाए। जी सर, बिल्कुल किसी अपने नहीं धोखा दिया है सीमा को, या फिर ये भी हो सकता है कि सारे अपनों ने मिलकर साजिश रची ताकि हमें कोई सुराग ना मिले। वाह मुकेश, पुलिस की गाड़ी में तो तुम्हारे तेवर ही कुछ अलग थे। तुमने सारा चिट्ठा ही खोल दिया सबका। तुम्हें लगता है पुलिस हमारा भरोसा करेगी? यही तो प्रॉब्लम है ना तुम्हारे साथ। सीमा दीदी ने ना तुम्हें खुद पर ही भरोसा ना करने लायक बनाकर छोड़ा। अरे कॉन्फिडेंस दिखाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस। जब परिवार में सब लोग एक दूसरे से खुश होते हैं तो उसे एक आदर्श परिवार माना जाता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हकीकत हमेशा वही हो जो नजर आती है। एक दूसरे से मतभेद होना, गिले शिकवे होना, यह भी स्वाभाविक है। लेकिन कई बार ये गिले शिकवे दिल और दिमाग में लंबे वक्त तक घर कर जाते हैं। ये मनमुटाव अक्सर परिवार के उस सदस्य से होता है जो हमेशा परिवार के लिए फैसले लेता है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि परिवार का हर सदस्य इन फैसलों से सहमत होता हो। सीमा साहू के परिवार का कौन सा सदस्य खफा था जिसने सीमा साहू के लिए जाल बिछाया? क्या यह एक ही सदस्य था या फिर हर किसी को सीमा से कोई गिला शिकवा था? इस वारदात के दोषी या दोषियों का खुलासा हम करेंगे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। जय हिंद।